ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान नेताओं के जुबानी वार बहुत ही तीखे हो चले हैं। पहले चरण के 30 सीटों पर होने वाले मतदान के तहत आज शाम से ही चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है, जिसे देखते हुए बीजेपी और टीएमसी के सभी दिग्गज नेता ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष के बरमूडा शॉर्ट्स वाले बयान पर इनकार करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिलीप घोष को आड़े हाथ लिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि किसे क्या पहनना है क्या नहीं, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। बंगाल के पाथर प्रतिमा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष के बरमूडा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महिलाओं को सलवार या साड़ी नहीं पहननी चाहिए बल्कि हाफ पैंट पहनकर वोट मांगना चाहिए। किसे क्या पहनना है क्या नहीं, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। बता दें कि बंगाल के पुलुड़िया में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए दिलीप घोष ने टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पैर की चोट पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग उनका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए वह अपना टूटा हुआ पैर दिखा रही है, साड़ी पहन रखी है जिसकी वजह से उनका एक पैर कवर है जबकि दूसरा दिख रहा है। कभी किसी को इस तरह साड़ी पहने नहीं देखा, अगर आप अपना पैर दिखाना चाहती है तो फिर बरमूडा पहन ले। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आला कमान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी यहां यूपी से ट्रेनों और बसों में बैठकर गुंडे भेज रही है और ये भगवादारी, तिलकधारी, पान मसाले चबाने वाले गुंडे बंगाल में घुसकर यहां का कल्चर खराब कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झूठा बताते हुए कहा कि मैं पहले पीएम का सम्मान करती थी और आज भी मेरे मन में पीएम की कुर्सी के लिए सम्मान है, लेकिन मैंने कभी अपने जिंदगी में इतना बड़ा झूठा नहीं देखा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम बीजेपी की तरह दगाबाज पार्टी नहीं है। बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने अम्फान तूफान के दौरान पैसे भेजे थे, लेकिन दीदी ने आप लोगों को एक पैसा नहीं दिया, ये झूठ है। सच तो ये है कि बीजेपी ने सिर्फ घोषणाएं की लेकिन एक भी पैसा नहीं भेजा। ममता बनर्जी ने कहा कि अम्फान के वक्त केंद्र ने कोई मदद नहीं की, ना ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोई मदद की। हमने तूफान के वक्त 19 लाख लोगों की जान बचाई। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा बंगाल में चुनाव लड़ने को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस और एक नई पार्टी ने बीजेपी से डील की है। बीजेपी ने वोटों के बंटवारे के लिए नए दल को पैसा दिया। मैं मेरे अल्पसंख्यक दोस्तों से कहना चाहूंगी कि कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों को अपना वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत करना, क्योंकि ये बीजेपी की ही मदद करना चाहते हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर किसान कई महीनों से बैठे हैं, कई किसानों की जान चली गई है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह ने चुप्पी साधी रखी है। वहीं बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वादा किया लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली, बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। आपको बता दें कि बंगाल में पहले चरण के लिए 27 मार्च को मतदान होना है, ऐसे में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का सिलसिला आज थम गया है। पहले चरण के तहत 30 सीटों पर वोटिंग की जानी है, ऐसे में प्रचार की जंग तेज हो गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बंगाल, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।